स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है गौरव भाटिया डिस्ट्रॉय कंचना यादव, दिल्ली वाटर क्राइसिस आप वर्सेस एलजी केजरीवाल, लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगता है कि आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आरोप यही लगता है, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? जो आरक्षण की बात हो रही है मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर अमित जी कि ये टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने की बात की गई है। उसमें यहाँ पर गौरव भाटिया जी अलायंस किए हैं असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, वहां उनको नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में आते लेकिन, लेकिन मैडम 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 इसका जवाब आप आगे दीजिएगा। लालू जी ने तो मुस्लिम आरक्षण की बात करी ना, लालू जी ने ही करी ना, किसी और ने तो नहीं करी। चारा घोटाला, भैंसों का चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये हमारे युवाओं के लिए कुछ छोड़ेंगे? अरे परिवारवाद की जननी मेरे बाएं और बीच में नहीं, बीच में ना बोले मेरी बहन। सबसे ज्यादा बड़ा स्कैम आज तक हुआ चंदा चोरी का, और आप लोग ताली बजा रहे हैं पर चंदा चोरी पर भी ताली बजा दी। मैंने तो अपनी बहन को पूरा सम्मान दे दिया। गौरव 20 सेकंड दे राजकुमार जी। देखिए आज की जनता जो पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री जी मुद्दा उठा रहे हैं, बाएं देखो परिवारवाद, दाएं देखो परिवारवाद, और मैं बताता हूं क्यों। दोनों पार्टियों का जब से गठन हुआ है, मेरे युवा भाई बहन ये पूछ रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का तुम अध्यक्ष नहीं बना पाए, तुम युवाओं को क्या दोगे? उनकी जेब से रुपया निकाल लोगे? अभी तक तो रामगोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है इसलिए मंदिर बेकार है। अब मैं पूछ रहा हूं, यो कह रहे हैं कि आप तो एनडीए जो है वो देश का नक्शा ही खराब कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि मैं ये मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का भी कल्याण नहीं करती, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, कांग्रेस 10 साल उस रिपोर्ट पर बैठी रही, बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है। तो ये 55 सालों की सरकार रही, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई? इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो, तो अखिलेश यादव के सामने अमित देवगन जैसा एक पत्रकार गया, उसने कहा ये क्या है, कह रहे जोश में बोल दिया होगा। 10 साल सपा और बसपा की सरकार रही मेरे भाई और बहनों, इन्होंने दी 5 लाख सरकारी नौकरी। योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, और मैं फिर से कहूंगा विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गौरव, एक मिनट जी मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग सहमत है, हाथ उठवाइएगा। ये कहते हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेंगे और पाकिस्तान से कोई सहमत नहीं होगा उस बात, और चीन से इलू इलू करना चाहते हैं। अरे हम कहते हैं घुस के ठोकेंगे, ये कहते हैं इलू इलू करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमित जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के, उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में, और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था, और लीक करने वाला कौन, वही जो उत्तर प्रदेश में लीक कर रहा है, वही जो राजस्थान में लीक कर रहा है, वही जो गुजरात में लीक कर रहा है, और मतलब इतना नेटवर्किंग है, और कहते हैं कि हम पेपर लीक बंद कर दिए हैं। अरे इनको तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वोट जिहाद पर भी, एक सेकेंड, वोट जिहाद पर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वोट जिहाद बोल रहे हैं गोली मारो सालों को, किसने बोला था, अनुराग ठाकुर, क्या होना चाहिए बताइए, देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं, हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके, है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या क्या चाहते हैं, बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका, लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले, बेकार की बातें कर रही है, गद्दारों को गोली मारो इनको दर्द होता है। पर एक सेकंड लेकिन मेरा 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 जनता ने कहा था कि गद्दारों को गोली मारो, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो, जनता ने कहा अगर इनकी सोच ऐसी है कि गद्दारों के साथ खड़े होंगे तो शर्म आती है, जनता थूकती है ऐसी सोच पे, मैं यही रहूंगी, बोल लीजिए
बोल लीजिए आप ही पूरा मौका ले लीजिए हमको बिल्कुल आप ही ले लीजिए देश के खिलाफ कोई बोलेगा उसको सबक दे रहा है 20 सेकंड सत्यीकरण की बात करते हैं अरे आप बोलेंगे अरे डिबेट में महिला पुरुष नहीं होता है क्या चुप करिए ये मुझे लगता है आज के विषय पे आइए और आप 20 सेकंड अपनी बात को रखिए देना चुप कराइए पहले मैं नहीं बोल रही आप बोलिए प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं संदेश खाली मेरी बहनों से बोलिए लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया बोलिए संदेश खाली में नहीं बोलेगी हाँ ऐसी बात कर रही है हाँ आपका मत आप देखिए यही होगा आगे चल के मैं भी बैठ जाऊँ वो भी आ रहे हैं वो भी बैठा ये गलत है संदेश खाली की बहने बहने नहीं है नहीं हमें नहीं हमको यही अरे नहीं 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 ये मेरा निवेदन है देखिए आप लोग एक सेकंड मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए आपने विरोध जी हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट उसके बाद वो बोले आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए ये महिला की रक्षा करेंगे कानपुर में हुआ हाथरस में हुआ रातों रात एक बच्ची जला दी गई और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए महिलाओं का नाम भी नहीं लेना चाहिए इन्हें इतना घिनौनी हरकत करते हैं मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया जिसने पहनाया वो गुनहगार है सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा बहुत अच्छा कंचना जी ने मैं कंचना रुक जाइए आप बीच का तरीका ये तरीका ठीक नहीं अभी ये क्या तरीका आपका बार बार आप तरीका क्या आपका नहीं आपसे बोला आपके बीच में बोला था मैंने नहीं आप नहीं क्या ये तरीका है आपके बीच नहीं बोला मैं शट अप जस्ट शट अप किसी के बीच नहीं बोलता नहीं वो किसी के बीच में नहीं बोलता मैं किसी के बीच नहीं बोलता मुझे बोलने दीजिए आप प्रेम से आगे पूछेगा मैं बता रहा हूँ मैं आप प्रेम से बात मैं बता रहा हूँ अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ बिल्कुल गलत हुआ सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है FIR दर्ज हुआ है राजबल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी ये तरीका ठीक नहीं सब पर बोलिए महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं गलती हो जाती है क्यों नहीं बोलते अगर आप हम बोलेंगे अगर आपको ये सरकार खराब करती है हमारी पार्टी हमेशा गठबंधन हमेशा बिल्कुल गलत था एक तो साथ में रहते हो देश का आर्थिक नीति आप एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है तेलंगाना है आंध्र है जम्मू कश्मीर है महाराष्ट्र है बिहार है झारखंड है क्या आपको लगता है और बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का तुष्टिकरण है देखिए बिल्कुल अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है पहली बात जब घुसपैठिए आए हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे आधार कार्ड दोगे तो ये बिल्कुल समस्या है क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं भारतीयों का दूसरी बात ये थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए और आरक्षण किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह रहे लेकिन भाई मेरे को पॉलिटिक्स जो है ना कभी समझ में नहीं आती और कभी आएगी भी नहीं जब तक पॉलिटिकल पार्टियां चलती है तब तक ये आरोप प्रति आरोप लगते रहेंगे लेकिन हम नागरिकों का काम है अच्छी सरकार को सुनना क्योंकि देश को बसा ठीक है बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए दोस्तों फिलहाल आपसे विदाई ले रहे मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ टिल देन जय हिंद जय भारत।